नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर आपको झंझारपुर हॉल का वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पे अब तक कितना काम हो चुका है लॉकडाउन में, लॉकडाउन से पहले यहाँ कितना काम हो चुका है और अब कितने काम चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंडरपास है और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल जो बनाए जा रहे थे वो भी यहाँ पर अभी और बाकी है बनना। नीचे का काम हो चुका है, ऊपर अब वॉल खड़ा करना है और ये जो आप देख रहे हैं नीचे इसे और ऊपर उठाया जाएगा। देखेंगे इस लेवल तक, जिस लेवल पे रेल लाइन रहेगी उस लेवल तक बिछाया जा सकता है, यानी उसे ऊपर किया जा सकता है। जबकि यहाँ तक अभी कई जगह वहाँ तक हो चुके, इसके पीछे जहाँ पे ये कोर्ट का रास्ता जाता है रोड, ये अंडरपास, उसके पीछे की तरफ इसे ऊपर तक कर दिया गया। अब इसके आगे होना है झंझारपुर हॉल तक। तो ये देखिए, यहाँ पे बारिश होने की वजह से कहीं कहीं पानी भर गया, जिसकी वजह से काम भी बाधा डाल दिया है। यहाँ भी वॉल उठाना है। मिट्टी का लेवल आप देख रहे हैं इतनी ऊंचाई पे रहेगा, इसको फिनिशिंग किया जाएगा, यानी लेवल बराबर करके इस पर स्लीपर बिछाए जाएंगे और रेल लाइन बिछाए जाएंगे। जबकि अभी इसमें अभी काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी रिटेलिंग वॉल बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। और झंझारपुर हॉल की तरफ भी मिट्टी पहुँचाने का काम, ये देखिए डंपर की गाड़ी यहाँ लगी हुई है, इसे द्वारा मिट्टी पहुँचाया जा रहा है झंझारपुर हॉल की तरफ, और जहाँ अंडरपास है पुल है वहाँ वहाँ पहुँचा कर इसे लेवल किया जाएगा। तो ये झंझारपुर हॉल की तरफ प्लेटफार्म को ऊँचा करने का काम शुरू किया जाएगा। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, प्लेटफार्म पे दीवार ऊंचा कर दिया गया, उस पर पैरापेट भी लगा दिया गया, अंडरपास भी बनकर तैयार है। और ये देखिए उसके आगे झंझारपुर हॉल के आगे रेल लाइन यहाँ तक बिछाए गए हैं। इससे पीछे एक अंडरपास है, उसका काम थोड़ा बाकी है और आगे घूमती है तो वहाँ तक काम जारी है। कुल मिला के थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है झंझारपुर हॉल के आगे, और पीछे कई अभी काफ़ी काम है, तो जल्दी इस काम को निपटाया जा सकता है लॉकडाउन के रहते हॉल पे। वैसे स्लीपर को पहुंचा दिया गया, रेल लाइन पहुंचाना बाकी है, जबकि रेल लाइन पुराने वाले है उसको यहाँ पे ट्रक द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।